दोस्तों, क्या एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर भी बन सकता है? और एप्पल का 2018 आईफोन एक्स मॉडल ₹10,000 के अंदर आ सकता है? और हिंदुस्तान यूनिलीवर की नेट वर्थ में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड वेलकम टू माय चैनल नॉब टेलर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। एक्चुअली मेरा वाईफाई जो है वो हैक हो गया था और उसकी वजह से किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करने लगा था, एकदम स्क्रीन पे जम गया था। किसी तरह मैंने उसका बैकअप लिया, उसके बाद उसको रीसेट किया, इतने में मेरे 2 दिन चले गए थे। और तीसरे दिन मेरी फ्लाइट थी और 2 दिन मैं वहीं रुका, इसलिए ऐसे ही मैं आया वैसे ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो प्लीज 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 समझना इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की न्यूज। दोस्तों, पहली न्यूज जो आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है कि उन्होंने अपने इंस्टा में सर्फ गो, जो कि उनका नया लैपटॉप और टैबलेट है, उसकी वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा पे शेयर की थी, जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल रही होगी। और अगर इसकी आपको फुल डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके सारे फुल फीचर्स उसमें डिस्क्राइब किए गए होंगे। दोस्तों, अगली न्यूज जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही है, जो कि 25 जुलाई को अपने शेयर्स बेचने वाला है ₹1,095 से लेकर ₹1,100 के बीच में। दोस्तों, HDFC अपने शेयर्स को बेचकर 2,800 करोड़ का मुनाफा कमाने का सोच रहा है। और इसके फुल आर्टिकल के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और पढ़ लीजिए। दोस्तों, अगली न्यूज जो आ रही है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से आ रही है, जिन्होंने मंडे को 19.17% की अपनी नेट वर्थ में ग्रोथ की है, यानी कि 1,529 करोड़ रुपए की इनकी नेट वर्थ हो गई है। पिछले साल की इनकी नेट वर्थ 1,283 करोड़ रुपीस रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको पूरा सुनिए, तब आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, अगली न्यूज जो आ रही है वो वॉलमार्ट की तरफ से आ रही है कि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के लिए एक्सपर्ट को हायर करने की सोच रहा है, कुछ सीनियर रोल्स को लेकर, जैसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लीगल काउंसल और अपहोल्ड एंटी करप्शन के लिए कंपाइल ऑफिसर्स को। दोस्तों, अगली न्यूज जो है वो एप्पल की तरफ से आ रही है कि एप्पल का जो 2018 मॉडल आने वाला है वो काफी सस्ता होने वाला है, क्योंकि एप्पल अपने डिस्प्ले पर काफी काम कर रहा है जापानीज कंपनी निचिया के साथ। दोस्तों, लास्ट न्यूज से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप कौन सी बिग कंपनी और बिलियनियर की न्यूज सुनना चाहते हैं, तब तक मैं उसकी न्यूज आपको कैसे दे पाऊंगा। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको किसकी न्यूज चाहिए, तब तक मैं उसे आपको कैसे प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो प्लीज कमेंटेड, जिससे मुझे भी हेल्प हो और आपको भी उस पर्टिकुलर बिलियनियर और बिग कंपनी की न्यूज सबसे पहले मैं प्रोवाइड करवा पाऊं, तो प्लीज कमेंटेड। दोस्तों, लास्ट न्यूज जो आ रही है वो ब्रेव रोबोटिक्स की तरफ से आ रही है, जो कि जापान में है, जिन्होंने एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर बनाया है जिसका नाम है जेडेट राइड, और इसके अंदर आसानी से 2 लोग आ सकते हैं और इसकी हाइट 12 फीट हो जाती है जब ये ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वीडियो आपको तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर शेयर एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि ये चैनल मेरा ग्रो हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप एक कंपनी से बिलियनियर्स की न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाओगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।